हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट सो आई होप आप सब घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एज यूजुअल जो मैं आपसे पूछती हूँ ठीक है सो so, आज की वीडियो जो है वो है एमसीक्यू से रिलेटेड मैं आगे के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ नया टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो को देखेगा फिफ्टी के फिफ्टी एमसीक्यूज आपने याद हो जाने हैं ठीक है एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा एंड लेट स्टार्ट दिस वीडियो बिना टाइम वेस्ट के एंड जिन बच्चों को नहीं पता कि इसके अलावा भी यानी कि एमसीक्यूज के अलावा भी जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ ठीक है वो पूरे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है कि आप आपकी टाइमलाइन क्या रही है पूरा का पूरा ठीक है आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सो so उसे भी देख लीजिए साथ में ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगी एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो लेट्स गो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर ठीक है आज हम मुगल आर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आज हम वो करने वाले हैं एंड आर्किटेक्चर से भी उसके अलावा मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स भी आपको इसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें देने वाली हूँ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु इज़ नोन एज द राफेल ऑफ द ईस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना अक्सर पूछ ले जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए हु इज़ नोन एज द राफेल ऑफ द ईस्ट ईस्ट में राफेल किसे कहा जाता है ठीक है कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें राफेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि राफेल जो है वेस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर यानी कि वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं एंड बहुत ज्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट हैं ये सो so, इसीलिए इनके नाम से ईस्ट में कहा गया है कि राफेल किसे कहा जाता है ठीक है सो जो आर्टिस्ट बिहाद हैं उन्हें कहा जाता है राफेल ऑफ द ईस्ट यानी कि बिहाद आर्टिस्ट इज नोन एज द राफेल ऑफ द ईस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कमीशन द वर्क ऑफ दास्तान ए अमीर हमजा ठीक है वर्क किसने कमीशन किया था दास्तान ए अमीर हमजा ठीक है ये कमीशन मतलब ये जो किसने बनवाया था यह बनवाया था हुमायूं ने किसने कमीशन किया था ये हुमायूं ने दास्तान ए अमीर हमजा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है मुगल आर्ट किस किस आर्ट का कॉम्बिनेशन है पर्शियन आर्ट प्लस राजस्थानी ट्रेडिशनल आर्ट ठीक है क्योंकि इससे पर्शियन इन्फ्लुएंस है प्लस इस पर इंडियन इन्फ्लुएंस भी है ठीक है so, सो इसलिए पर्शियन आर्ट प्लस राजस्थानी ट्रेडिशनल आर्ट जो यहाँ की हमारी आर्ट थी इन दोनों आर्ट्स का इस पर इन्फ्लुएंस है मुगल आर्ट पे ठीक है मुगल आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन आर्ट प्लस राजस्थानी ट्रेडिशनल आर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द मेन पेंटर ऑफ सफाविद शाह इजमेल्स कोर्ट ठीक है इनके कोर्ट का मेन पेंटर कौन था सफाविद शाह इजमेल्स कोर्ट के इनका जो कोर्ट uh, का मेन पेंटर था वो था बिहजाद ठीक है आपने याद रखना है कौन था मेन पेंटर बिहजाद सफाविद शाह इजमेल्स कोर्ट ठीक है इनके कोर्ट का मेन पेंटर बीजाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ आईने अकबरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ आईने अकबरी ठीक है आईने अकबरी किसने लिखी थी सो so, आईने अकबरी के राइटर हैं अबुल फजल ठीक है अबुल फजल सो so, ये पांच क्वेश्चन हैं आपने इन्हें अच्छे से याद रखना है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है वॉट इज द पर्शियन नेम ऑफ महाभारत ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा है इसमें व्हाट इज द पर्शियन नेम ऑफ महाभारत महाभारत का पर्शियन नेम क्या है सो so, महाभारत को जो पर्शियन नेम है वो है रमज़ानामा ठीक है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं निमतनामा किताबुल हिंद अनवर ए सुनहेली या रमजानामा सो so, इसमें से आपने टिक लगाना है रमज़ानामा पे ठीक है महाभारत का पर्शियन नेम रमज़ानामा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाय अकबर कौन सा नया रिलीजन उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था अकबर ने कौन सा नया रिलीजन स्टार्ट किया था ठीक है सो इसका आंसर है दीन ए इलाही ठीक है दीन ए इलाही जो है रिलीजन नया रिलीजन था जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें ऑप्शंस भी आ सकते हैं तो आपने आंसर याद रखना है दीन ए इलाही ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर हुमायूं डाइड कौन से साल में हुमायूं की डेथ हुई थी ठीक है सो इन विच यूअर हुमायूं डाइट सो फिफ्टीन फिफ्टी फाइव में भी लिखा है कहीं कहीं पर फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स भी लिखा है सो so, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अग जो भी आए इसमें उसके हिसाब से आपने फिफ्टी फाइव लगा देना या फिर फिफ्टी सिक्स लगा देना क्योंकि कहीं पर फिफ्टी फाइव दे रखा है एंड कहीं पर फिफ्टी सिक्स दे रखा है इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए हैं बाकी ऑप्शन में आपको जो दिखाई दे उसके हिसाब से आप इस पर टिक लगा दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अनवर सुनहली अनवर सुनहैली का दूसरा नाम क्या है ठीक है ये नाम अभी हमने पढ़ा था जिसमें हमने महाभारत का पर्शियन नेम पूछा गया था महाभारत का पर्शियन नेम रमज़ानामा एंड अनवर सुनहैली का दूसरा नाम पूछा गया है इसमें सो अनवर सुनहैली का दूसरा नाम क्या है पंचतंत्र स्टोरीज जो पंचतंत्र ठीक है वो अनवरे अन्व, सुनहैली -e को कहा जाता है बेसिकली सो so इसका आंसर है पंचतंत्र सो so, अगर आपको कभी भी ऑप्शन में मतलब तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि वट इज़ अदर नेम ऑफ पंचतंत्र सो आपने लगाना है अनवर सुनहेली और अगर अनवर सुनहेली डाला है तो पंचतंत्र इसका आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इवेंट्स पेंटेड इन आईने अकबरी आईने अकबरी जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि किसने लिखी थी आईने अकबरी वॉज रिटन बाय अबुल फजल ठीक है और कितने इवेंट्स इसमें पेंट किए गए हैं सो अराउंड फोर्टीन हंड्रेड इवेंट्स इसमें जो है पेंट किए गए हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां वॉज अ लवर ऑफ विच टाइप ऑफ आर्ट ठीक है शाहजहां वॉज द लवर ऑफ विच टाइप ऑफ आर्ट किस तरह की आर्ट शाहजहां को पसंद थी ठीक है डांसिंग स्कल्पचर आर्किटेक्चर या पेंटिंग सो so, उनका सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट था वो था आर्किटेक्चर में ठीक है सो इसका आंसर होगा आर्किटेक्चर शाहजहां वॉज अ लवर ऑफ आर्किटेक्चर पेंटिंग का इतना खास उन्हें शौक नहीं था डांसिंग स्कल्पचर का भी नहीं था जितना उन्हें आर्किटेक्चर का था क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं सो इससे हमें पता चलता है कि वो आर्किटेक्चर के एक तरह से फैन थे आर्किटेक्चर उन्हें काफ़ी पसंद था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मुगल एम्परर वॉज बिटर एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक कौन सा एम्परर ऐसा था जो कि बिल्कुल कट्टर दुश्मन था पेंटिंग और म्यूज़िक का ठीक है हुमायूं शाहजहां औरंगज़ेब या अकबर हुमायूं शाहजहां अकबर ये जो थे इन्होंने आर्ट को प्रमोट किया था तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है ठीक है आंसर क्या होगा इसका औरंगज़ेब सो so, औरंगज़ेब जो था इसके आने के टाइम पे पेंटिंग्स वगैरह बंद हो गई थी बिल्कुल ही जैसा कि मैंने हमने मैंने आपको पढ़ाया था सीरीज़ में अगर आपको नहीं पता है कौन सी सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ सो so, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके फर्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है देन उसके बाद आप एम पढ़ सकते हैं सो so, औरंगजेब जो था उसमें उसने जो है जो अकबर ने किताब खाना ओपन करवाया था वो भी उसने बंद करवा दिया था एंड वो उसे बिल्कुल पेंटिंग्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थी तो इसके टाइम पे जो है पेंटिंग्स का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था एक तरह से ठीक है सो इसका आंसर होगा औरंगजेब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ मुगल आर्ट गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्ट ठीक है सो कौन सा किस मुग़ल आर्ट मतलब मुगल आर्ट का जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो किस रूलर के अंडर था ठीक है कौन सा रूलर के टाइम पे गोल्डन टाइम पीरियड था हुमायूं औरंगजेब शाहजहाँ या अकबर सो so, अकबर इसका आंसर है क्योंकि अकबर के टाइम पे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बनी थी एंड ये इसको गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है मुगल आर्ट का ठीक है अकबर के टाइम पे काफ़ी अच्छी आर्ट जो है प्रोड्यूस हुई थी इसलिए इसका आंसर है अकबर नेक्स्ट है हु वॉज द बर्ड पेंटर इन मुग़ल कोर्ट्स बर्ड पेंटर कौन है मुगल कोर्ट्स में ठीक है बर्ड पेंटिंग्स बनाते थे ये आर्टिस्ट एंड फेमस थे कि यहाँ के मतलब मुगल कोर्ट्स में सिर्फ बर्ड पेंटिंग्स इन्होंने करी हैं सो so, इन इसका आंसर है उस्ताद मंसूर ठीक है आपने याद रखना है बर्ड पेंटर कौन थे बर्ड पेंटर उस्ताद मंसूर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि इन आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है लास्ट ईयर के पेपर में भी देख सकते हैं 2020 के बी के में देख लीजिए सो so, इन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है जरूर आया है कि कौन सा आर्टिस्ट कौन से रूलर के अंदर काम करता था या किस टाइप के वर्क वो करता था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द एनिमल एंड पोर्ट्रेट पेंटर इन जहांगीर टाइम पीरियड एनिमल एंड पोर्ट्रेट पेंटर पूछा है इसमें ठीक है आपने ध्यान रखना है कि किस आ, किस उसकी बात की जॉनरी की बात की गई है यहाँ पे बर्ड पेंटिंग की बात की गई थी यहाँ पे एनिमल और पोर्ट्रेट पेंटिंग की बात की गई है और जहांगीर के टाइम पीरियड स्पेशली उन्होंने मैंशन कर रहा है कि जहांगीर के टाइम पर कौन सा जो आर्टिस्ट था वो एनिमल और पोर्ट्रेट पेंटिंग करता था ठीक है सो इसका आंसर है अबुल हसन अबुल हसन जो है एनिमल और पोर्ट्रेट पेंटर थे और वो भी जहांगीर के टाइम पीरियड के थे ये ठीक है अभी मैं आपको आगे लिस्ट प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं आपको अकबर के टाइम पीरियड के आर्टिस्ट जहांगीर के टाइम पीरियड के आर्टिस्ट से आर्टिस्ट के नाम जो है उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी सो आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा सो so, ये वाले क्वेश्चन फिर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द स्कूल ऑफ आर्ट वी कैन सी पेंटेड बॉर्डर डेकोरेशन विद अरेबिक स्क्रिप्ट ठीक है बॉर्डर्स बनाए जाते थे अरेबिक स्क्रिप्ट उसमें लिखी होती थी यानी कि अरेबिक कैलीग्राफी टाइप से कुछ वो लोग बॉर्डर बनाते थे ठीक है तो हम कौन से स्कूल में ये देख सकते हैं ठीक है तो ये हम देख सकते हैं मुगल स्कूल ऑफ आर्ट में इसमें जो है मतलब पेंटिंग के चारों तरफ जो है बॉर्डर बनाया जाता था जिसमें कुछ कुछ कैलीग्राफी टाइप हो रखा होता था ठीक है सो इसका आंसर है मुगल स्कूल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइम पीरियड इज नोन एज अ पीक पीरियड ऑफ मुगल आर्ट देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था गोल्डन पीरियड ठीक है यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा है गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्ट सो गोल्डन पीरियड और पीक पीरियड में काफ़ी डिफरेंस है गोल्डन पीरियड यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड पेंटिंग्स का सबसे ज़्यादा अच्छा एंड पीक पीरियड यानी कि उसके बाद पेंटिंग्स नहीं बनी मतलब पीक पे थी पेंटिंग्स इस टाइम पे एंड इसके बाद जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था यानी कि इसके बाद जो है पेंटिंग्स का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था सो so, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन uh, है विच टाइम पीरियड इज नोन एज अ पीक पीरियड ऑफ मुगल आर्ट सो कौन से रूलर के अंडर में था ये जब अकबर ने पेंटिंग काफ़ी अच्छी बनवाई थी यानी कि गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा था उसने हर जगह से पेंटिंग्स का प्रोडक्शन करवाया था इवन आर्किटेक्चर वगैरह भी बन रहा था ऐसी बात नहीं है सो पीक पीरियड गोल्डन पीरियड हम उसे कह सकते हैं एंड देन उसके बाद जहांगीर जो आए थे उन्होंने भी इसको कंटिन्यू रखा था उसी स्पीड से ही ठीक है उसी uh, उसी मतलब पेंटिंग्स का जो प्रोडक्शन uh, है या पेंटिंग जो बनाई जा रही हैं अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा वो काफ़ी अच्छा था तो इस टाइम पे जो था पीक पे थी यानी कि इसके बाद जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था सो so, जहांगीर के टाइम पे पीक पे थी एंड गोल्डन टाइम पीरियड वो था अकबर का टाइम पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिंबलिक पेंटर ऑफ जहांगीर टाइम पीरियड ठीक है जहांगीर के टाइम पे, पे, के सिंबलिक पेंटर कौन थे विचित्र उस्ताद मंसूर अबुल हसन या बेजाद इन सारे में से आपने बताना है कि सिंबॉलिक पेंटर कौन पे, थे यानी कि जो सिम्बलिक पेंटिंग्स काफी ज्यादा बनाते थे सो इसका आंसर है विचित्र ठीक है ये जहांगीर के टाइम के सिम्बॉलिक पेंटर थे ठीक है आपने याद रखना अच्छे से एनिमल और पोर्ट्रेट पेंटर थे अब्बुल हसन और सिंबॉलिक पेंटर थे विचित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कमीशनड मैन किस्सा ए अमीर हमजा किस्सा ए अमीर हमजा ये मैन है ये किसने कमीशन कराई थी ठीक है अकबर शाहजहाँ हुमायूं या फिर नन ऑफ दीज सो इसका आंसर है अकबर अकबर ने किस्सा ए अमीर हमजा जो है कमीशन कराई थी मैन ठीक है आपने ये अच्छे से याद रखना है किस्सा ए अमीर हमजा बाय अकबर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इन टाइम पीरियड मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स वर डन इन मुगल स्कूल सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट किसके टाइम पीरियड पर बने थे जैसे कि अभी आप क्वेश्चन से ही पता लगा सकते हैं कि अगर स्पेशली क्वेश्चन में ये पूछा है कि एनिमल पेंटर और पोर्ट्रेट पेंटर ठीक है तो यानी कि पोर्ट्रेट पेंटर की कुछ खासियत होगी इसीलिए ये क्वेश्चन आया कि इन विच टाइम इन हूज टाइम पीरियड मैक्सिमम वर डन इन मुगल स्कूल ठीक है मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स किस मुगल स्कूल मतलब किस मुगल रूलर के टाइम पर बने थे ठीक है उसका आंसर है अकबर जहांगीर शाहजहां या हिमायू सो so, जहांगीर के टाइम पे जो है सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट्स बने थे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द थीम ऑफ द पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन बीन टेकन ये कहां से लिया गया ठीक है ये जो सीन है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन कहां से का थीम कहां से लिया गया ठीक है ये लिया है भगवत पुराण से कहां से लिया गया है ये भगवत पुराण से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूप ऑफ कृष्ण शोन इन पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन कौन सा रूप कृष्ण जी का दिखाया गया है कौन सी पेंटिंग में जिसकी पेंटिंग की हमने अभी बात की थी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ठीक है तो उसमें कौन सा रूप कृष्ण जी का दिखाया गया है उसमें जो है विराट रूप कृष्ण जी का दिखाया गया है ठीक है आपने याद रखना है विराट रूप नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीन्स कंबाइंड इन द बर्थ ऑफ सलीम ये जो पेंटिंग है बर्थ ऑफ सलीम इसमें कितने सीन्स कंबाइंड है सो so, इसमें जो सीन्स है वो तीन सीन्स जो है कंबाइंड सीन्स हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बहारी एंड उत्तम रिटर्न इन द पेंटिंग फैल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट सो ये एक पेंटिंग है फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट इस पेंटिंग पे दो वर्ड्स लिखे हैं बाहरी एंड उत्तम ठीक है सो so, इनका हमें मतलब बताना है सो so, बाहरी का मतलब है फैल्कन एंड उत्तम का मतलब है एक्सीलेंट ये एमसीक्यूज में आ सकता है सो so आपने इस चीज का ध्यान रखना है बाहरी फैल्कन उत्तम एंड एक्सीडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है विच ऑफ द टाइटल वॉज गिवन टू उस्ताद मंसूर बाई जहांगीर कौन सा टाइटल उस्ताद मंसूर को दिया गया था जहांगीर ने ठीक है जहांगीर के द्वारा दिया गया था सो उस टाइटल का नाम था नदीर उल असर ठीक है नदीर उल असर ये जो टाइटल है ये जहांगीर ने किसे दिया था उस्ताद मंसूर को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सन ऑफ शाहजहां हु रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इक्वली नेम द सन ऑफ शाहजहां हु रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इक्वली हमें नाम बताना है शाहजहां के बेटे का जो की सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता था वो था दारा शिखो ठीक है आपने नाम याद रखना है क्या था दारा शिखो इन्होंने सारे रिलीजन्स को जो है इक्वल रिस्पेक्ट दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा शिखो गोट मैरिड टू होम इन सिक्सटीन थर्टी थ्री एडी दारा शिखो की शादी किससे हुई थी नूरजहां शाहजहांरा नदीरा बेगम सो so, उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी नदीरा बेगम से आपने याद रखना है दारा शिका किसके बेटे हैं शाहजहां के एंड उनकी शादी किससे हुई थी नदीरा बेगम से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीताम्बर का मतलब क्या होता है डीप येलो येलो ऑकर लेमन येलो नेपल्स येलो सो पीताम्बर का मतलब होता है डीप येलो अभी मैंने कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी हैं अकबर के टाइम की ठीक है इनसे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे अनवर सुनहेली रमजान आमा रामायण ठीक है सो so, इस इसकी मैंने लिस्ट बनाई है आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ठीक है जो अकबर के टाइम पे मैंने बनी थी ये वो हैं ठीक है ठीके? नंबर फर्स्ट है रमज़ा नामा रजमा नामा सेकेंड है रामायण थर्ड है द भक्त बाबरी फोर्थ है द अकबर नामा फिफ्थ है द अनवर सुनहैली सिक्स है द नल दमयंती सेवन्थ द जफर नामा देन आईने अकबरी उसके बाद हमज़ा नामा तिमनामा देखो कितने सारे नामा है रजमा नामा एंड उसके बाद ये जफर नामा दैन हमज़ा नामा दैन तिमर नामा बाबुर नामा ठीक है ये सारी जो मैनूस्क्रिप्ट है कि अकबर के टाइम पीरियड की देन लास्ट में अयार दनीश ठीक है और लास्ट है तवारी खे खानदान ए तेमरिया ठीक है ये सारी जो मैनूस्क्रिप्ट हैं कि अकबर के टाइम पीरियड की मैनुस्क्रिप्ट है, हैं, हैं जो कि लिखी गई थी और इनमें पेंटिंग्स हुई थी नेक्स्ट है अब हम पढ़ते हैं आर्टिस्ट एट द टाइम ऑफ अकबर कौन कौन से आर्टिस्ट रहे अकबर के टाइम के फर्स्ट मीर सैयद अली ठीक है मीर सैयद अली देन ख्वाजा समद मीर सैयद अली ख्वाजा समद बिहजाद बाग मिसकिन बसावन मनोहर जगन्नाथ मंसूर केसु लाल शंकर गोवर्धन दौलत दसवंत एंड मुकुंद और भी होंगे काफ़ी सारे लेकिन ये जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इन्हें आपने याद रखना है मैं दोबारा से बताती हूँ मीर सैयद अली ख्वाजा समद बिहजाद बाघ मिसकिन बसावन मनोहर जगन्नाथ मंसूर केसु लाल शंकर गोवर्धन दसवंत एंड मुकुंद ये सारे जो आर्टिस्ट हैं ये अकबर के टाइम पीरियड के हैं ठीक है ये आपने अच्छे से याद रखना है फेमस पेंटर्स एट द टाइम ऑफ जहांगीर ठीक है जहांगीर के टाइम के फेमस पेंटर्स की ये लिस्ट है ठीक है ये मैंने बनाई है ये है सबसे पहला उस्ताद मंसूर ठीक है जो कि बर्ड पेंटर थे अब्बुल हसन जो कि एनिमल और पोर्ट्रेट पेंटर थे बिचित्र जो कि सिम्बॉलिक पेंटर थे बिशन दास ये भी पोर्ट्रेट पेंटर थे देन बालचंद मुखलिस दौलत रिजा और भीम ठीक है ये सारे जो हैं जहांगीर के टाइम पीरियड के फेमस आर्टिस्ट हैं नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल स्कूल मुगल स्कूल का फाउंडर कौन था ठीक है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड आपको पता ही होना चाहिए कि मुगल स्कूल का फाउंडर कौन था हुमायूं नेक्स्ट है मुगल स्कूल का डेवलप इनकम्प्लीटली कौन से एटमोसफेयर में मुगल स्कूल जो है वो डेवलप्ड हुआ था सो मुगल जो थे इंडिया में थे उस टाइम पर जो मुगल स्कूल की डेवलपमेंट हुई थी वो थी इंडियन एटमोसफेयर में ठीक है कौन से एटमोसफेयर में इंडियन एटमोसफेयर में नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्लाइन ऑफ मुगल स्कूल अकर्ड इन विच सेंचुरी ठीक है कौन सी सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ था मुगल स्कूल का सो सेवनटीन से एटीन सेंचुरी के बीच में जो है मुगल स्कूल का डिक्लाइन हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज पार्ट ऑफ मुगल पेंटिंग्स हैव बीन डोमिनेटेड बाय मुगल पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा क्या चीज़ें बनी मुगल पेंटिंग्स हिस्टोरिकल पेंटिंग्स पोर्ट्रेट्स या फिर कुछ भी नहीं सो मुगल पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा जो है वो बने हैं पोर्ट्रेट्स ठीक है आपने याद रखना राजा, राजा आपने है राजा राजाओं ने उन्होंने अपने पोर्ट्रेट्स बनवाए हैं साइड प्रोफाइल्स में ज्यादातर नेक्स्ट है द डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटेड स्टार्टिंग स्टार्टेड इन द पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग का जो डिक्लाइन है वो कब शुरू हुआ था मुगल पेंटिंग का जो डिक्लाइन है वो शाहजहाँ के टाइम से शुरू हो गया था और औरंगजेब के टाइम पे जो है वो बंद हो गया था ठीक है इस चीज़ का डिफरेंस आपने याद रखना है कि शाहजाँह के टाइम पे वो स्टार्ट हो गया था क्योंकि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में एंड उसने पेंटिंग्स जो है वो काफ़ी आर्टिफिशियल पेंटिंग्स बनवाई थी नेचुरल पेंटिंग जो है बिल्कुल बंद हो गई थी सो इसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था देन औरंगजेब के टाइम पर जो है बिल्कुल बंद हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर रज़मा नामा हैज़बीन पेंटेड इन विच स्टाइल ठीक है सो so, ये कौन से स्टाइल में पेंट हुआ ऑफकोर्स ये मुगल मैनिस्क्रिप्ट है सो so, ये मुगल जो है मुगल स्टाइल में जो है ये पेंट हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फ्लावर्स इज द पेंटिंग ऑफ विच मुगल पेंटर रेड फ्लावर जो है कौन से मुगल पेंटर की जो है वो पेंटिंग है सो रेड फ्लावर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे आपने याद रखना है ये है मंसूर की यानी कि मंसूर आर्टिस्ट जो थे उन, उनकी पेंटिंग है रेड फ्लावर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमजा नामा वज पेंटेड अंडर द में पेंट की गई है ठीक है हमजा नामा अकबर शाहजहां जहांगीर ऑफ अकबर के, के देख रेख में इसको जो है पेंट किया गया था किसको हमजा नामा को नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटर एंड आर्किटेक्ट इसमें से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जो कि पेंटर भी था और साथ में एक आर्किटेक्ट भी था सो so, ऑप्शन आपको दे रखे हैं अब्दुलसमद बिहिजाद बसावन या मीर सैयद अली ठीक है so, सो ऐसा आर्टिस्ट जो कि आर्किटेक्ट भी था और एक पेंटर भी था वो था अब्दुलसमद ठीक है कौन सा आर्टिस्ट था अब्दुलसमद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेंटेड द हॉक हॉक यानी कि एक पेंटिंग आएगी और ये किसने पेंट की है इसमें आपने नाम बताना है ये जो मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया ये काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं एंड उनके आर्टिस्ट के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा आर्टिस्ट है सो so, आप लिस्ट बना के चाहें तो याद कर सकते हैं काफ़ी सही रहेगा आपके लिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें लगता है कि इसने पेंट किया या इसने पेंट किया है ठीक है दिमाग में होता है आंसर हमें पता होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो तब हमें आंसर पता होता है लेकिन एग्जाम के टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये था या ये, ये था और इसकी वजह से जो है हमारा मार्क्स कट जाता है सो so, ये इसका आंसर है मंसूर हॉक जो है वो मंसूर ने पेंट किया है और रेड फ्लावर्स वो भी किसने पेंट किया है मंसूर ने पेंट किया ठीक है जामा मॉस्क विच इज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर इज लोकेटेड एट ठीक है जामा मॉस्क कहा लोकेटेड है काफी बेसिक क्वेश्चन है सो so, ये डेली में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो निकाले ये मैंने आर्किटेक्चर से क्वेश्चन निकाले ठीक है अभी तक हम पेंटिंग की बात कर रहे थे अब हम जो है आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत ये सीरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए आप लोग देख लीजिए हु बिल्ड द मोसलम ऑफ हुमायूं ठीक है मौसल ऑफ़ हुमायूं किसने बिल्ड किया यानी कि हुमायूं की जो कब्र है वो किसने बिल्ड करवाई अकबर हुमायूं हिमसेल्फ या विडो ऑफ हुमायूं नन ऑफ दीज सो ये जो है बिल्ड की है ये विडो ऑफ हुमायूं यानी कि हाजी बेगम उनका नाम है हाजी बेगम ये उन्होंने बिल्ट किया ठीक है मौसल ऑफ हुमायूं जो है हाजी बेगम यानी कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने ये बिल्ड करी है नेक्स्ट है द बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाय बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था ठीक है बुलंद दरवाजा जो था वो किसने बनवाया था वो बनवाया था अकबर ने आपने याद रखना है बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ड बाय अकबर आपको जैसे मैंने वो बताया था कि आपने नाम याद रखने के लिए कुछ स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं तो आपको जैसे काफी सारा आर्किटेक्चर होता है एंड काफी सारे रूलर्स के नाम है सो तो इससे रिलेटेड कुछ भी आप नाम में से या कुछ भी ऐसी तरह से करके कुछ ना कुछ स्टोरी बना के आप लोग नाम याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम में देखते ही आपको वो लाइन याद आ जाए एंड आपको आंसर जो है तुरंत के तुरंत याद आ जाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल बिल्डिंग इज इक्वल इन लेंथ एंड विथ ठीक है कौन सी ऐसी मुगल बिल्डिंग है जो इक्वल है लेंथ और विथ में बुलंद दरवाजा रेड फोर्ट एट दिल्ली ताजमहल या रेड फोर्ट एट आगरा सो ताजमहल जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है सो लेंथ और विथ में काफी लोगों को पता होगा एंड काफी को नहीं पता होगा सो so, ताजमहल जो है वो उसकी लेंथ और विथ जो है इक्वल है ठीक है इसका आंसर है ताजमहल नेक्स्ट क्वेश्चन है ड द मैक्सिमम नॉलेज ऑफ आर्ट अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम नॉलेज ऑफ आर्ट अमंग द फॉलोइंग सो सबसे ज्यादा आर्ट की नॉलेज कैसे थी जहांगीर को ठीक है नेक्स्ट है दर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑफ मुगल स्टाइल द बुलक कार्ट हैज बीन पेंटेड बाई ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है बुलक कार्ट और ये किसने पेंट की है ये पेंट की है अबुल हसन मनोहर दसवंत या उस्ताद मंसूर ये पेंट की है अबुल हसन ने ठीक है बुलक कार्ट रेड फ्लावर्स जो है वो मंसूर ने पेंट की है बुलक कार्ड जो है अबुल हसन ने पेंट किए और हॉक हॉक भी मंसूर ने पेंट किए ठीक है इस तरह से रिविजन करते रहेंगे तो आपको शायद अच्छे से याद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मौसम ऑफ इंडिया बिल्ट इन प्योर इस्लामिक स्टाइल ठीक है सो इसका आंसर है पहली ऑफ मौसम ऑफ इंडिया बिल्ट इन प्योर इस्लामिक स्टाइल कौन सी थी मौसम ऑफ बाल ठीक है आपने याद रखना है मौसलम ऑफ बाल नेक्स्ट क्वेश्चन है द मौसलम ऑफ बाबर इज लोकेटेड एट मौसलम ऑफ बाबर कहाँ पर लोकेटेड है सो इसका आंसर है काबुल ठीक है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ जाता है अक्सर सो द मौसल ऑफ बाबर इज लोकेटेड एट काबुल विच ऑफ द फॉलोविंग मॉस्क इज नोन एट शाहरी विच ऑफ द following मॉस्क mosque, किस मॉस्क mosque को इस नाम से जाना जाता है ठीक है मॉस्क एट फतेहपुर सीकरी जो फतेहपुर सीकरी की मॉस्क है उसको जाना जाता है शान ए सीकरी के नाम से शान ए सीकरी ठीक है द अर्ली नेम ऑफ द डेली रेड फोर्ट डेली रेड फोर्ट का अर्ली नेम क्या था किलाए जन्नत किलाए शाहजहां किलाए मुबारक या किलाए हिंद सो so ये पता ही होना चाहिए आपको सो अर्ली नेम ऑफ रेड फोर्ट डेली रेड फोर्ट का अर्ली नेम था किलाए मुबारक क्या नाम था किलाए मुबारक नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट पेंटिंग ऑफ उस्ताद मंसूर बेस्ट पेंटिंग क्या है उस्ताद मंसूर की रेड फ्लावर्स या ये इस तरह से भी आ सकता है कि रेड फ्लावर इज अ पेंटिंग ऑफ विच आर्टिस्ट सो ये उस्ताद मंसूर की पेंटिंग एंड उस्ताद मंसूर की बेस्ट पेंटिंग है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अलाई दरवाजा इज द मेन एंट्रेंस ऑफ अलाई दरवाजा किसका मेन एंट्रेंस है सीरी जमाल खाना मॉस कुतुब मीनार या नन ऑफ दीज सो जो वहां पर गए उन्हें पता ही होगा सो so, इसका आंसर है कुतुब मीनार अलाई दरवाजा इज द मेन एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार ठीक है सो so, गाइज ये क्वेश्चन आज के बस इतने ही एंड दैट्स इट सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं नया आपके लिए आगे का मटीरियल लेकर आऊंगी प्लीज जिनको नहीं पता है आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही है वो देख ले लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ठीक है आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं एंड प्रैक्टिकल की वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं आप उनसे भी काफी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेनुअन टिप्स हैं ठीक है थीके? उन्हीं को अगर आप अप्लाई करना आ, सीख जाएंगे ना तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं सो so, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय एंड प्लीज लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो बाय